पूरे प्रदेश में इन दिनों मानसून छाया हुआ है और प्रदेश में कई जगह जोरदार बारिश हो रही है, जिसके चलते इंदौर से चलने वाली कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट भी डायवर्ट कर दिए गए हैं। दरअसल अत्यधिक बारिश के चलते पूरे प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है। इसका असर रेल के संचालन पर भी पड़ा है। अत्यधिक बारिश के चलते कुछ गाड़ियों को निरस्त किया गया है, वहीं कुछ गाड़ियों के रूट बदले गए हैं। इंदौर से कोटा चलने वाली ट्रेन को आधी दूरी तक ही चलाया जा रहा है। वहीं रतलाम इंदौर ग्वालियर जाने वाली ट्रेन का रूट बदला गया है। रेलवे के अनुसार ब्यावरा राजगढ़ गुना के मध्य अत्यधिक बारिश होने के चलते पटरी पर पानी भरा हुआ है, साथ ही कुछ पुलों को भी नुकसान पहुंचा है। इसके चलते या तो ट्रेन निरस्त कर दी गई है या उनके रूट बदल दिए गए हैं। वहीं पश्चिम मध्य रेलवे की कई गाड़ियों को अन्य रूटों से गंतव्य की ओर भेजा जा रहा है। रतलाम मंडल के पीआरओ खेमराज मीणा के अनुसार रेलवे लगातार स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। यदि कोई अप्रिय स्थिति बनती है तो ट्रेनों को तुरंत निरस्त किया जाएगा, जिससे यात्रियों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो। कि हाल में ही जो वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे है उसमें ब्यावरा राजगढ़ और पाचोर रोड के बीच में जो इफेक्टेड एरिया है वहाँ पे जो पटरी धुल गई है, इसकी वजह से हमारे जो आने वाली जो इंदौर कोटा इंटरसिटी और कोटा इंदौर जो इंटरसिटी है इसमें क्या है, जो इफेक्टेड एरिया है ब्यावरा राजगढ़, तो ये जो ट्रेन कोटा से चलती है तो राजगढ़ से इसको वापस चलाया जाएगा। इसके अलावा जो दूसरी ग्वालियर भिंड रतलाम जो ट्रेन है उस ट्रेन को भी दूसरे उसमें डाइवर्ट किया गया है, वो रतलाम से इंदौर और मिक्सी ओके और भोपाल की तरफ जाएगी। तो क्योंकि गुना बीना का जो रास्ता है ये थोड़ा इफेक्टेड एरिया है और पूरा जो रतलाम मंडल में तकरीबन 6 से ज़्यादा और दूसरी ट्रेन भी इफेक्टेड हुई है, क्योंकि जो मुजफ्फरनगर सूरत एक्सप्रेस है वो भी दूसरे रूट से चलाई जाएगी, क्योंकि ये इफेक्टेड एरिया में हुई है। इसके अलावा अहमदाबाद वाराणसी और एक और ट्रेन है जो है बीना और नागदा, वो ट्रेन को भी डाइवर्ट रूट से चलाया जाएगा। इस तरह से क्या है कि ये जो रूट है जो मिक्सी के बाद में ग्वालियर की तरफ ये रूट जाता है, तो ये जो सीहोर और भोपाल की तरफ इस रूट को डाइवर्ट किया गया है ट्रेनों को, तो इस तरह से हम लोग मान सकते हैं कि मंडल में तकरीबन आधा दर्जन ट्रेन इफेक्टिव रहेगी। और इंदौर से जो ट्रेन है इंदौर कोटा इंटरसिटी है उसको शॉर्ट इफेक्टेड एरिया से शॉर्ट टर्मिनेट कर दिया गया है। सर,